सियालकोट से खबर देंगे। जामकी रोड डस्का की नामनिहाद फैमिली का 14 साल घरेलू मुलाजमा पर वहशियाना तशद्दुद। थाना सिटी डस्का में मुलाजमा के खिलाफ दरख्वास्त दायर। जामकी रोड डस्का की रिहायशी नीलम हमायूं बेगम और इसके दामाद फसीह रहमान शेख ने 14 साल घरेलू मुलाजमा आमना पर बदतरीन तशद्दुद किया, जिस पर आमना ने अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी और थाना सिटी डस्का में जाकर मुलजिमान के खिलाफ इंदराजी मुकदमा के लिए दरख्वास्त दे दी। जानते हैं आमना की जुबानी। मेरा नाम आमना है, नीलम हमारी घर रहनी सा। मेरी मतलई माँ ने उन्होंने घर छड़िया सी। मेरी मतलई माँ 2 साल पहले फोत हो गई है। आमना ते नीलम ने मेरे ते बहुत ज़्यादा जुल्म करना शुरू कर दिता है। छुरियाँ गर्म करके मेरे जिस्म ते लाइया ने, बहुत ज़्यादा जुल्म करना शुरू हो गए ने। ये देखे, ये एवी है, एवी है, बहुत ज़्यादा जुल्म करते ने। ऐ वेखो मेरे मुँह ते भी निशान है ने, बहुत ज़्यादा मार दे रहे ने। मेरी कोई गल नहीं से सुनता है। राती 9 तरीक नू फसी रहमान नीलम हमाइयों का जवाई आया रात के 2 बजे। मैनू कहिंदा खाना गर्म कर, मेरी तबीयत नहीं सी ठीक, मैनू बुखार सी, मैं सो गई। दोबारा आया मैनू कहिंदा खाना नहीं गर्म किया। मैं क्या करन लगी हाँ, मेरे वाला तो खिंच के एक कमरे च लै गया, जाके मैनू मारना शुरू कर दिता है। मैं शोर पाने की कोशिश की है तो मैनू उन्होंने पिस्तौल वहाई है। पिस्तौल वहा के मैं कहता है कि सारे कपड़े ला। मेरे सारे कपड़े लवा के उन्हें मैं 3 घंटे मुर्गा बनाया। कहता तेरी सजा है वे कि तू किसी अगर दस्या तो मैं तेन जानू मार दाँगा, तेरे प्यो न भी मार दाँगा तो तेनू भी मार दाँगा। बीबी के जवाई ने फसी रहमान ने मेरे बहुत सख्त ज्यादती की, मुर्गा बना के मैं नंगिया करके मेरे बहुत ज्यादती की, बहुत जुलम किया। मैनू मेरी यह दरखास्त है वजीरे आला दे अगे ते पुलिस दे अफसरां दे अगे कि मैनू इंसाफ दिता जाए। 2 दिन हो गए ने, ऐ वेखो मैं दरखास्त दी है, मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैं भी पाकिस्तान की धी हाँ, मेरी सुनी जाए। मजीद अपडेट के लिए देखते रहें कैनल न्यूज़ लाइव।